गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। आज फिर हम आपके सामने नेक्स्ट PYQ लेके हाजिर है। डियर स्टूडेंट, हमने बात की थी कि हम वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे रहेंगे, और उसके रिगार्डिंग हम उनका आंसर भी देखेंगे और उनकी स्टेटमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब हम PYQ करते हैं ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ आंसर लेके चलते हैं। यानी कि मोस्टली आप क्या करते हो, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ आंसर को देखते हो। बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आंसर को देखने का मतलब यह है कि आप उन तीन स्टेटमेंट, यानी कि जिस प्रकार हमारे एक क्वेश्चन में चार स्टेटमेंट दी जाती है, तो आप उन तीन स्टेटमेंट को छोड़ते हुए चल रहे हो और सिर्फ एक स्टेटमेंट जो कि राइट है उसको देख रहे हो। बट बच्चों, इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपका रह सकता है, यानी कि छूट सकता है। अब आपको करना क्या है बच्चों, जो राइट आंसर है उसको तो क्लिक करना ही करना है, इसके साथ साथ जो रोंग आंसर है और रोंग आंसर की जो स्टेटमेंट दी गई है वो किससे रिलेटेड है वो भी आपको वन बाय वन करते हुए चलना है। एक्चुअल में इसका रीजन क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर बच्चों हो सकता है कि स्टेटमेंट को चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो बच्चों, आज हम फास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल 1920-1934। बच्चों देखो, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो इंडियन स्ट्रगल बुक है ये 1920 से 1934 की बुक है, यानी कि इस टाइम में मतलब इंडियन का स्ट्रगल, इंडिया का स्ट्रगल कैसा रहा 1920 से 1934 का। और एक्चुअल में बच्चों, ये वो समय है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी, यानी कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि एक्चुअल में वो कांग्रेस में पार्टिसिपेट करेंगे और भारत की आजादी के लिए बंगाल से अपना संघर्ष स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में जब वो पहले आजादी का संघर्ष स्टार्ट करते हैं तो वो बच्चों एक टीचर होते हैं, यानी कि प्रोफेसर होते हैं कॉलेज के, और उसके बाद वो पूरी तरह आजादी के संघर्ष में अपने आप को झोंक देंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं कि इंडियन स्ट्रगल बुक का राइटर कौन है। अब बच्चों, इसमें इन्होंने दिया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद। बच्चों, ये बिल्कुल गलत आंसर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इस बुक के राइटर नहीं है। अब बच्चों, सेकंड ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। बच्चों, ये भी नहीं है। ये बच्चों देखो, जयप्रकाश नारायण आजादी से पहले और आजादी के बाद दोनों में भारत में मूवमेंट को लेके चलते हैं। एक्चुअल में जब हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के टाइम भी जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट किया था। बच्चों, तो जयप्रकाश नारायण यहाँ पे गलत ऑप्शन है। अब बच्चों, हम चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, मनावेंद्रा नाथ रॉय। ये भी बच्चों गलत ऑप्शन है। इसके बाद हमारा ऑप्शन बचता है सी, सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इंडियन स्ट्रगल बुक 1922-1934 सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी कि 1920 से 1934 के बीच इंडिया का स्ट्रगल कैसा था, आजादी के लिए कैसा माहौल चल रहा था। तो आपको ये सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर रहेगा। बट बच्चों, ये तीनों नहीं रहेंगे, मानवेंद्र नाथ रॉय और मौलाना अबुल कलाम आजाद, जयप्रकाश नारायण, ये हमारे गलत आंसर रहेंगे। बच्चों, अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया, तो ये क्वेश्चन एनडीए 2017 सेकंड एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि एनडीए 2017 के सेकंड में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। अब बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एनडीए 2002 से रिलेटेड है, यानी कि 2017 से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द स्वदेशी कैंपेन इन 1896 इज नॉट करेक्ट। भाई, 1896 में स्वदेशी अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब देखो, इट सेंटर वाज महाराष्ट्र। बच्चों, स्वदेशी मूवमेंट का सेंटर महाराष्ट्र नहीं था, बिल्कुल गलत है ये। मैंने आपको बताया था स्वदेशी मूवमेंट एक्चुअल में कहां रहेगा सेंटर, बंगाल में रहेगा। लेकिन इससे आगे हम बात करते हैं, इट्स मेन पार्टिसिपेंट वर स्टूडेंट्स। बच्चों, ये भी गलत है, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया लेकिन बड़े आधार पर नहीं। इसके बाद फोर्थ पे चलते हैं एक बार हम, इट पब्लिकली बर्नड फॉरेन क्लोथ्स। बच्चों, ये भी पूरी तरह क्या रहेगा, गलत रहेगा। अब देखो, इन्होंने पूछा सही कौन सा नहीं है, आंसर देखो। अब ये तीनों क्या रहेंगे,
तीनों हमारे ये जो रहेंगे, इट्स सेंटर वाज महाराष्ट्र, इट्स मेन पार्टिसिपेट वर स्टूडेंट्स, इट्स पब्लिकली बर्नड फॉरेन क्लोथ्स, बर्नड मतलब विदेशी क्लोथ्स को जला दिया गया। इसके बाद जो फोर्थ स्टेटमेंट हम देखते हैं, इट अपोजिट द लेवी टू ट्रैफिक ऑन इंपोर्ट्स। बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी राइट रहेगी क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, सही नहीं है। देखो तीनों स्टेटमेंट सही है स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड, महाराष्ट्र में भी हुआ था, बंगाल में भी हुआ था, स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट भी किया था, इसके बाद पब्लिकली चीजों को ब्रंट भी किया गया था, यानी कि विदेशी जो क्लोथ थे, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। लेकिन बच्चों इसमें कौन सा आपका पूरी तरह जो नहीं हुआ था वो क्या हुआ था, ट्रैफिक ऑन इंपोर्ट, लेवी ट्रैफिक ऑन इंपोर्ट, भाई ट्रैफिक ड्यूटी जिसको हम टैक्स बोलते हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, उसको लेके ये मूवमेंट नहीं हुआ था बच्चों। तो स्वदेशी मूवमेंट का आपको ध्यान रखना है, यानी कि सी इसका सही नहीं है ये पूछा गया, तो आपको सी पे चलना है। और अगर बच्चों यही यहां पे स्टेटमेंट चेंज कर दी जाए, सही नहीं को वो पूछ लिया जाए कि सही क्या है, तो यहां पे ए बी डी तीनों सही है, सी गलत है, यानी कि आपको क्या करना, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है क्वेश्चन की, इसलिए क्वेश्चन के राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट सबको देखते हुए चलना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों एनडीए 2017 सेकंड से रिलेटेड है, यानी कि 2017 सेकंड का ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन लंदन बाय दादा भाई नारोजी इन 1866। बच्चों जब हम ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे थे और मैंने बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नारोजी ने दिया था। और जब हम दादा भाई नारोजी की बात कर रहे थे तो बच्चों मैंने बताया था कि ये पहले बंदे ऐसे होते हैं जिन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जहां पे उसका संस्था का कॉन्फ्रेंस चल रही थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, और उसके अंदर इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी। तो ये बच्चों हम पढ़ के भी गए थे, और ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन 2017 में उससे रिलेटेड पूछा गया था। तो बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, राइट आंसर तो इसका रहेगा बी, कि दादा भाई नारोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना की गई थी, तो द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी बच्चों। बट ये तीन रॉन्ग आंसर भी रहेंगे, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इनमें बच्चों दादा भाई नारोजी ने 1866 में दादा भाई नारोजी इनके फाउंडर नहीं रहेंगे, बच्चों द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में रहेंगे, और इसी में ये थ्योरी देंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ। बच्चों ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था, मैंने बताया था धन का बहिर्गमन, जिसको हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि भारत से भारत का धन कहां ले जाया गया, भारत से भारत का धन बाहर ले जाया गया। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करेंगे बच्चों। तो फोर क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एल्बर्ट बिल इज करेक्ट, यानी कि एल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो बच्चों यहां पे इन्होंने स्टेटमेंट क्या पूछी है, सही है, यानी कि कौन सा कथन सही है आपको ये देखना है। और ये क्वेश्चन कब का है, एनडीए 2017 सेकंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बच्चों, यानी कि 2017 से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब 2017 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें हम स्टेटमेंट ए देखते हैं, इट पर्पस दैट द इंडियन मजिस्ट्रेट वुड ट्राई यूरोपियन इन द क्रिमिनल केस। बच्चों मैंने पढ़ाया था आपको डायरेक्ट कि भाई जो एल्बर्ट बिल डिस्प्यूट हुआ वो एक्चुअल में किसको लेके हुआ था, हमारे एक जस्टिस थे, उन्होंने उनका प्रमोशन हुआ, और उनका प्रमोशन हुआ तो उन्हें भारत के जो बंगाल के ग्रामीण एरिया थे वहां पे पोस्टिंग मिल गई। और जब ग्रामीण एरिया में पोस्टिंग मिली तो बच्चों उससे पहले वो जब कलकत्ता के जजिस थे तो कलकत्ता में वो अंग्रेजों के मुकदमे भी सुन सकते थे, यानी कि हाई कोर्ट में अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते थे। लेकिन प्रमोशन होने के बाद वो जैसे ही गांव में गए तो वो अब यूरोपियन के मुकदमे नहीं सुन सकते थे, और बच्चों इसी को बोलते हैं एल्बर्ट बिल डिस्प्यूट। उसके बाद उन्होंने सीपी एल्बर्ट, इनका पूरा नेम था सीपी एल्बर्ट, सीपी एल्बर्ट को एक लेटर लिखा
कि सर मेरा प्रमोशन हुआ और प्रमोशन होने के साथ ही मेरे अधिकारों में कटौती हो गई, तो ये तो पूरी तरह क्या है, अन्याय है। यानी कि जो जुडिशरी सिस्टम आप हमें दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह गलत है। तो बच्चों इसका राइट स्टेटमेंट क्या रहेगा, ए स्टेटमेंट पूरी तरह इसकी राइट स्टेटमेंट रहेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, इट अलाउड इंडियन टू फील्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट यूरोपियन। भाई अब देखो, अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है, कि इसमें बोला जा रहा है कि जो क्रिमिनल केस यूरोपियन के अगेंस्ट होते थे और कौन कौन फील कर रहा था उनको, इंडियन फील कर रहे थे, उनके बारे में भी इल्बर्ट विल डिस्प्यूट का मैटर था या नहीं था। तो बच्चों ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत रहेगी। एक्चुअल में ये था तो भारतीय यूरोपियन बगान मालिकों से रिलेटेड, क्योंकि ये यूरोपियन जो लोग होते थे उनके लिए सेफ गार्ड का काम करता था, लेकिन बच्चों ये क्रिमिनल मामला नहीं था, ये सिविल मामला था। एक्चुअल में सिविल से रिलेटेड ये था। इट ऑथराइज इंडियन आईसीएस ऑफिसर टू ट्राई यूरोपियन इन कोर्ट्स। बच्चों ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह गलत रहेगी। इट वॉज एन एजिटेशन लेड बाय इल्बर्ट इन सपोर्ट ऑफ द नेशनलिस्ट। ये भी बच्चों स्टेटमेंट गलत रहेगी। तो आपकी राइट स्टेटमेंट पूरी तरह क्या रहती है, ए स्टेटमेंट हमारी पूरी तरह राइट रहती है बच्चों। यानी कि इसका आंसर आपको क्या देना है, ए आंसर देना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन भी एनडीए 2017 सेकंड से रिलेटेड है, यानी कि 2017 के सेकंड में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और ये क्वेश्चन हम देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बिलीव्ड टू बी ए लीडर ऑफ द सन्यासी एंड फकीर कंस्पायरिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। अब देखो बच्चों, निम्नलिखित में से किसे 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रचने वाले सन्यासी और फकीरों का नेता माना गया था। भाई साजिश रचने वाले फकीरों और अंग्रेजों का नेता किसे माना गया था, तो बच्चों इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया ए, मंगल पांडे। बच्चों ये पूरी तरह गलत है। 1857 की क्रांति को स्टार्ट करने वाला, यानी कि जो इमीडिएट रीजन रहेगा, इमीडिएट रीजन में मंगल पांडे रहेगा, तो मंगल पांडे यहां पर गलत हो जाएगा। बहादुर शाह सेकंड, बच्चों बहादुर शाह सेकंड तो दिल्ली में थे और दिल्ली के बादशाह थे बहादुर शाह सेकंड, और इनको तो क्रांति का प्रमुख बनाया गया था और इसके बाद इन्हें निर्वासित कर दिया गया और रंगून भेज दिया गया, वही इनकी 1862 में डेथ हो गई। तो भारत का एकमात्र बादशाह जिसकी कब्र वर्मा में भी है, तो वो बहादुर शाह जफर। ये भी बच्चों गलत रहेगा। इसके बाद थर्ड में चलते हैं, कवीन जिन्नत महल। बच्चों कवीन जिन्नत महल लखनऊ से रिलेटेड थी, ये भी आपका आंसर गलत रहेगा। इसके बाद बच्चों नाना साहेब बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि नाना साहेब को सन्यासी और फकीरों का नेता माना जाता था बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों हम। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन, और जब हम सोशल रिफॉर्म कर रहे थे कि सोशल रिफॉर्म इंडिया सोशल रिफॉर्म को जब हमने पढ़ा, तो वहाँ पे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रनाडे, पंतलू, ये सारे हमें दिखाई देते हैं। तो अब बच्चों इन्होंने पूछा कि भाई यंग बंगाल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे और यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया। तो बच्चों अब सिंपल से क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पहला ऑप्शन छोड़ दो अभी आप, डेविड हेयर। बच्चों ये एक घड़ी साज थे और ये नहीं थे, पूरी तरह गलत। दूसरा द्वारकानाथ टैगोर, बच्चों ये भी नहीं थे। प्रसन्ना कुमार टैगोर, ये भी बच्चों नहीं थे। अब आपके पास ऑप्शन क्या बच गया, ओनली एक ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं हेनरी विलियम डेरोजियो। और बच्चों हो सकता है अगली बार किसी और सोशल रिफॉर्म से पूछ लिया जाए कि डेविड हेयर कौन से सोशल रिफॉर्म के संस्थापक थे या कौन सी संस्था के संस्थापक थे, तो आपको डेविड हेयर के बारे में पूछा जा सकता है। अब बच्चों क्या करना है आपको, हेनरी विवियन डेरोजिया, ये आपके बंगाल मूवमेंट से रिलेटेड थे, यंग बंगाल मूवमेंट से रिलेटेड थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसकी जब हम बात करते हैं बच्चों, देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट इज नॉट करेक्ट। कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड कौन सी
स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। इसके बारे में बात करना है हमें बच्चों। तो पहली, इट ब्रोक आउट इन अगस्त 1942। बच्चों बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। अब देखो ये क्या है कि ये 1942 से स्टार्ट नहीं हुआ था। किस प्रकार राइट है? राइट है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या पूछा? सही नहीं है। ये देखो ये स्टेटमेंट राइट है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। यानी कि आपको पहले क्वेश्चन को समझना है। और ये क्वेश्चन कब का है बच्चों? एनडीए 2017 सेकंड का क्वेश्चन हमें ये दिखाई देता है। लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या रहेगी? गलत रहेगी। यानी कि अगस्त 1942 का नहीं रहेगा क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सही नहीं पूछ रहा है। अब दूसरी पे चलते हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर मोर देन 3 मंथ्स। बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह क्या रहेगी? गलत रहेगी। अब बच्चों थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल इस क्वेश्चन से ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है। तो बच्चों हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट को कर रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन को कर रहे थे, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि यही वो मूवमेंट होता है जिस समय गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपना 70 मिनट का स्पीच दिया और यहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि जापान जर्मनी और जापान चले गए थे, जर्मनी से जापान गए, एक्चुअल में कलकत्ता एल्गिन रोड के निवास, जो उनका एल्गिन रोड पे निवास स्थान था, वहां से उन्हें जेल में, घर में ही जेल बना के डाल दिया गया था। और उसके बाद वो यहां से निकल के पेशावर गए और पेशावर से काबुल और काबुल से इटली होते हुए जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मिले और हिटलर से सहायता का आश्वासन लेके वो जापान गए और जापान में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। एक्चुअल में आजाद हिंद फौज पहले ही बन चुकी थी लेकिन उसका नेतृत्व करता आगे चल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आ जाता है। तो आजाद हिंद फौज का रियल फाउंडर तो रास बिहारी घोष था बट नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसको लीड करेंगे, यानी कि भारत के पहले अपने आप को राष्ट्रपति भी घोषित करेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये पूरी तरह क्या है? इस क्वेश्चन के लिए सटीक स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट हमारी पूरी तरह क्या रहेगी? गलत रहेगी। इसके बाद हम अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट पे चलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट। भाई कम्युनिस्ट पार्टी पहले सपोर्ट कर रही थी, मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी, ऐसा नहीं है कि इसने सपोर्ट ना किया हो। तो बच्चों बट जब रशिया मित्र राष्ट्रों, यानी कि मित्र राष्ट्रों की ओर से पार्टिसिपेट करता है रशिया, तो कम्युनिस्ट पार्टी भी इस मूवमेंट का सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन पहले कम्युनिस्ट पार्टी इसका सपोर्ट कर रही थी, यानी कि सारे के सारे कम्युनिस्ट भारत छोड़ो आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रशिया के ऊपर जर्मनी अटैक करता है तो कम्युनिस्टों को ऑर्डर मिलता है कि वो भाई इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट ना करे, ब्रिटेन के साथ सहयोग करे। तो बच्चों इसकी स्टेटमेंट हमारी पूरी तरह राइट क्या रहेगी? सी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट रहेगी। और वैसे सी स्टेटमेंट क्या रहेगा? गलत रहेगा। बाकी की तीनों स्टेटमेंट क्या है? राइट है। तो बच्चों आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? सी आंसर हमारा इसमें रहेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन भी बच्चों एनडीए 2017 सेकंड से रिलेटेड है, यानी कि एनडीए 2017 से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमें दिखाई देता है। अब देखो बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग मूवमेंट्स। भाई इस मूवमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं? अब इन्होंने ये बहुत से मूवमेंट्स दिए और इन मूवमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं? अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबोव इन असेंडिंग ऑर्डर। कि भाई इनको क्या करना है, आपको पहले नंबर से लेके लास्ट नंबर तक सही करना है। मूवमेंट तो ये सारे हुए, मोपला रिबेलियन हुआ, बारदोली सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, साल्ट सत्याग्रह हुआ। अब इनको आपको वन बाय वन क्या करना है? सेट करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि इन चारों मूवमेंट में भारत में पहले कौन सा मूवमेंट हुआ। तो बच्चों सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह। मैंने बताया
चंपारण सत्याग्रह 1916 में हुआ और कहां पे? बिहार में। और गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, राजकुमार शुक्ल ने उन्हें इनवाइट किया, जो कि हम करके गए। तो सबसे पहले आप देख लो इसमें तीन कहां पे है, तो बच्चों थर्ड आपको कहां पे मिलेगा? बी ऑप्शन में थर्ड मिल जाता है। इसका मतलब आपको और आगे चलने की जरूरत नहीं है, यानी कि थर्ड से ही आपका आंसर राइट हो सकता है। बट बच्चों इसके बाद मोपला रिबेलियन, जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था तो केरल में मोपलाओं ने क्या कर दिया, हिंदुओं के अगेंस्ट। एक्चुअल में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अंग्रेजों के अगेंस्ट, लेकिन बाद में ये एंटी हिंदू मूवमेंट बन गया। तो चंपारण के बाद दूसरा मूवमेंट जो हुआ उसका नेम है मोपला रिबेलियन, यानी कि नंबर एक पे क्या रहेगा? चंपारण। नंबर दो पे मोपला रहेंगे। इसके बाद बच्चों साल्ट सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह, तो बच्चों तीसरे नंबर पे रहेगा बारदोली और चौथे नंबर पे रहेगा साल्ट। गांधी जी ने नमक बनाया, दांडी यात्रा की, सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट 1930, तो पूरी तरह फोर्थ नंबर क्या रहेगा 1930 में रहेगा और बारदोली उससे पहले हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? बी आपका राइट आंसर रहेगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? एनडीए 2017 सेकंड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया इनवेजिस ए, यानी कि भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना की परिकल्पना किसने की? ये भी बच्चों क्वेश्चन एनडीए 2017 सेकंड से रिलेटेड, एनडीए 2017 से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमें मिलता है। देखो कि कैबिनेट मिशन योजना की परिकल्पना क्या थी, क्या की गई थी भाई? फेडरेशन। गलत। देखो फेडरेशन क्या होता है, एक्चुअल में क्या यूनियन बनाई जा रही थी? तो बच्चों कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग फेडरेशन की कोई बात नहीं हुई, तो पहला ऑप्शन गलत रहेगा। कॉन्फेडरेशन पूरी तरह सही। कॉन्फेडरेशन यानी कि स्टेट जब चाहे सेंटर से अलग हो सकती है। फेडरेशन स्टेट जब चाहे सेंटर से अलग नहीं हो सकती, यानी कि भारत का संविधान किस टाइप का बनाया जाना चाहते थे कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग? कॉन्फेडरेशन। मुस्लिम लीग को यह बोल दिया गया कि अगर मुस्लिम लीग के लोगों को किसी भी आर्टिकल या किसी भी योजना के ऊपर डाउट हो तो वो क्या कर सकते हैं, उसको उसके ऊपर वीटो कर सकते हैं, और दूसरा उसे अपने एरिया में लागू नहीं करने देंगे। तो इससे क्या हो गया बच्चों, स्टेट को पूरी आजादी थी कि वो सेंटर के साथ तभी तक रहे जब तक उसका हित सेंटर के अंदर हो, और अगर उसे लगे कि सेंटर सही नहीं कर रहा उसके साथ तो वो सेंटर से अलग हो सकती है। जिस प्रकार यूएसए का सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो क्या था? कॉन्फेडरेशन। बट बच्चों बाद में क्या बना? फेडरेशन। जब वहां पे गृह युद्ध हुआ तो हम क्या देखते हैं, इसका राइट आंसर रहेगा कॉन्फेडरेशन कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग। और ये बच्चों हमने किया था कैबिनेट मिशन भारत आया। अब इसके बाद करते हैं यूनिटरी फ्रॉम द गवर्नमेंट। नहीं बच्चों ये भी गलत है, क्योंकि जब कॉन्फेडरेशन आ गया तो यूनिटरी का तो मतलब ही नहीं। यूनिटरी का मतलब होता है एकात्मक संविधान, सिर्फ सेंट्री है, स्टेट का नाम ही नहीं उसमें। फेडरेशन में स्टेट होता है अलग होने की आजादी नहीं, कॉन्फेडरेशन में स्टेट होता है स्टेट को अलग होने की आजादी रहती है। इसके बाद यूनियन ऑफ स्टेट। नहीं बच्चों ये भी गलत है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या रहता है? बी कॉन्फेडरेशन। अब बच्चों हो सकता है अगली बार कैबिनेट मिशन की जगह वेवल प्लान पूछ लिया जाए, लॉर्ड वेवल का प्लान पूछ लिया जाए कि लॉर्ड वेवल प्लान के अकॉर्डिंग क्या था, तो ये चीजें चेंज हो सकती है या स्टेटमेंट गलत हो सकती है। अब देखो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमें चार स्टेटमेंट मिल रही है उन चारों स्टेटमेंट से चार या पांच क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब इन्होंने क्या पूछा था कि परिकल्पना किसकी की गई, अब ये पूछ लेते कि भाई किसकी नहीं की गई, किसकी नहीं की गई थी। ये तो इन्होंने पूछा ना किसकी की गई और किसकी नहीं की गई, तो भाई फेडरेशन की, यूनिटरी ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ स्टेट नहीं की गई। यानी कि एक क्वेश्चन से ही आपके बहुत से क्वेश्चन निकलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। तो आज बच्चों हमने फिर से एक प्रीवियस ईयर की क्लास ली आपकी, और कल फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।